हर शख्स चाहता है कि वो स्लिम हो, स्मार्ट हो और खूबसूरत लगे, उसकी पर्सनालिटी जो है वो बेहतरीन किस्म की हो। लेकिन अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता वो मोटापे का शिकार हो जाए तो सारी शख्सियत तबाह होकर रह जाती है। तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं, ताने सहना पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के अंदर जो है वो शिरकत करने से हिचकिचाता है, मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस पहनने से हिचकिचाता है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो है वज़न कम होने का नाम ही नहीं लेता। मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस की जाती हैं, डाइट को कंट्रोल किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, मेडिसन्स अख्तियार की जाती हैं, लेकिन मोटापा जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे बहन भाई जो किसी वजह से मोटापे का शिकार हो गए हैं, उनके लिए लर्न इस्लाम टुडे चैनल एक इंतहाई अहम वजीफ़ा लेकर आया है और इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है। अगर आप इस वजीफ़े के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहती हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी लाजमी दबाएँ। मौजूदा सामयानी कराम, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापे की वजह से इंसान जो है दिल के अमराज का शिकार हो जाता है, ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार हो जाता है, इसके अलावा शुगर का शिकार हो जाता है, जोड़ों के दर्द उसका शिकार हो जाता है, चलने फिरने से आजिज़ हो जाता है और उसको ट्रैवलिंग के अंदर भी बड़ा मसला पैदा होता है। इसके अलावा बहुत सारे और अमराज हैं जिनका वो शिकार हो जाता है। तो इन अमराज से बचने के लिए जो है मोटापे का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। लर्न इस्लाम टुडे चैनल का ये वजीफ़ा जो है जो शख्स भी करेगा इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से पेट की चर्बी जो है वो घुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पिघल जाएगी और आप स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इंशाल्लाह लोग हैरान होंगे कि किस तेज़ी से जो है वज़न कम हुआ है। आपने किसी भी नमाज के बाद 5 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा सूरत अल रअद पढ़नी है और पानी पर दम करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उस पर दम करना है और उस पानी को आपने पी लेना है। ये मुख्तसर सा ये अमल है, इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। वजीफ़े के अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वजीफ़े को लाजम शेयर करें ऐसे बहन भाइयों से ख़ासूसी तौर पर जो मोटापे का शिकार हैं, ताकि वो भी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें और एक अच्छी और हसीन ज़िंदगी गुजार सकें।